नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। अमित जोगी ने बस्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर दिया बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जोगी कांग्रेस ने 10 बिंदुओं पर लुभावने वादे किए हैं, इसे अमित जोगी ने शपथ पत्र का नाम दिया है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने अपना घोषणा पत्र 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर दिया है। इसके साथ ही से अमित जोगी ने 10 कदम गरीबी खत्म का नारा दिया है। अमित जोगी का दावा 10 कदम में गरीबी खत्म। जगदलपुर में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने जनता से विश्वास जीतने के लिए नोटरी रजिस्टर्ड घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें अमित जोगी सरकार बनने पर गरीबी दूर करने का वादा किए हैं। इसके अलावा ये भी कहा कि अगर अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए तो सूली पर चढ़ जाएंगे। हमारी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस से नहीं है, हम गरीबी के खिलाफ युद्ध लड़ने चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। शपथ पत्र को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए अमित जोगी ने शपथ रथ का भी ऐलान किया है। अगले 30 दिनों में 60 विधानसभा क्षेत्र में रथ पहुंचेगी। अमित जोगी ने बस्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक स्वास्थ्य को लेकर भी दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जब बीजापुर के विधायक को अपने सरकारी अस्पतालों पर ही भरोसा नहीं है, इस वजह से तो वे प्राइवेट अस्पताल में अपना उपचार करवा रहे हैं। कोर्ट में जाकर मैंने 100 रुपये के स्टैंप पेपर में शपथ पत्र भरा है, एफिडेविट भरा है, जिसमें मैंने ज्यादा बातें नहीं लिखी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जिसका उद्घाटन करके अभी मोदी जी गए, वहां पर भी नहीं करा। यहाँ महारानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पर भी नहीं करा। रायपुर में सरकार के द्वारा संचालित डीपीएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, मेकाहारा है, एम्स अस्पताल है, वहां पर भी नहीं कराया। एक प्राइवेट अस्पताल में कराया जहां आप और हम अगर जाएंगे तो हमें अपने पूरी संपत्ति बेचनी पड़ेगी इलाज कराने। जब सरकार के विधायक को यहाँ की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई भरोसा नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य का क्या हाल है। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।